कपूबा छोड़ दो। हम बिल्कुल ठीक हो गए, कमाल हो गया। ये इस बीमारी को बरसों लग जाएंगे, उसको आपने चुटकी में ठीक कर दिया, कमाल। मुझे अफसोस है कि आपको तकलीफ हुई, मगर आपकी सेहत के लिए ये जरूरी था, बिल्कुल जरूरी था। डॉक्टर अनिल, हम आपसे बहुत खुश हुए। मांगो, आपको क्या चाहिए? मुझे किसी चीज की तमन्ना नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ दोस्ती चाहता हूँ। हमारी दोस्ती? हाँ। डॉक्टर अनिल, आज से आप हमारे जिगरी दोस्त। तुम सब लोग सुन लो, डॉक्टर अनिल आज से हमारे जिगरी दोस्त। मगर डॉक्टर, तुम इस जंगल में क्या कर रहे थे? मैं एक तजुर्बा कर रहा हूँ, साइंस का अनोखा तजुर्बा। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, उम्मीद है कि आप मेरी गुस्ताखी को माफ करें। अच्छा। कमाल, एक झटका और हमारी गर्दन ठीक। Thank you.
बात मानो तो अपनी जिद छोड़ो तो चलो मेरे साथ इस जंगल में और इस रास्ते पर भरोसा करने का कोई फायदा नहीं। हमारे कहने से कुछ दिन और रुक जाइए ना। बिल्कुल नहीं, मैं एक पल भी नहीं रुक सकता हूँ। तुम लोगों ने 3 महीने से जंगल में मुझे परेशान कर रखा है, अगर तुमको हमारे साथ नहीं चलना तो तुम भी यही रुको। अच्छी बात, अगर आप यही कहते हैं तो हम और डॉक्टर निरंजन यही रुक जाते हैं। तो ठीक है, जब तुमको अपने तजुर्बों से फुर्सत मिल जाए तो चली आना। डॉक्टर निरंजन महाराज, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे तजुर्बे खत्म होते होते हमारी तिजोरी जरूर खत्म हो जाएगी। महाराज क्यों शर्मिंदा कर रहा है मुझे, मैं तो क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं उपा, चलो प्रोफेसर रामलाल। रामलाल रामलाल जी, आज हमारा तजुर्बा पूरा हो गया। देखो रॉकेट के नमूने। पिताजी बेटी भगवान मेरे पिताजी नमस्ते। ये रामलाल, ये श्यामलाल, प्रोफेसर रामलाल, प्रोफेसर श्यामलाल। अच्छे मौके पर आ गए पिताजी, इन्होंने आज मेरी जान बचाई। तुमने माला की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। हम चाहते हैं कि तुम हमारे दोस्त बनकर हमारे साथ ही रहो। मैं यहाँ तो रह नहीं सकता, अगर कभी कभी आपकी मुलाकात के लिए जरूर आ जाऊंगा। ठहरो, हमारी इजाजत तो देखते जा। देखो ये रॉकेट के नमूने, इसे पहनकर आदमी हवा में उड़ने लगता है। इसी फॉर्मूला पर मैं बहुत बड़ा रॉकेट बना रहा हूँ जिसमें 10 से 50 आदमी तक उड़ान कर सकते हैं। बहुत ही अजीब चीज है, लो इसे पहनकर देखो।
कर क्या कर रहे हो फिर? बोलो, बताओ। डॉक्टर निरंजन ने मुझे यहाँ भेजा। निरंजन? राजा का वो खास शांति है। जी हाँ। इसलिए? देखिए, बता दो। रॉकेट का राज जानने के लिए। रॉकेट का राज? उसे कह दो, ये जानने के लिए उसे कई साल तक हमारी खोला निकलनी पड़ेगी, समझे? टार्ज़न, खोल दो उसे। तो आप मुझे भी कह दीजिए, अगर कभी आपको मेरी जरूरत पड़े तो मैं उसी जगह मिलूंगा जहां आज उनसे मुलाकात हुई। खुशखबरी डॉक्टर साहब, खुशखबरी। क्या खबर है? डॉक्टर अनिल ने एक ऐसा रॉकेट तैयार कर लिया है जो खुद ब खुद हवा में उड़ता है। वो रॉकेट हमारे हाथ आ जाए तो हमारी सब मुश्किलें आसान हो जाए। मुश्किल आसान करने का एक ही तरीका है, तुम जाकर से रॉकेट मांग दो। लेकिन वो इतनी आसानी से हमें रॉकेट देने वाला नहीं। काम निकालने के लिए उंगली को टेढ़ा करना ही होगा। अगर आप इजाजत दें तो आज ही रात उस रॉकेट को भी। तुम जो चाहे कर सकते हो, लेकिन मेरा काम होना चाहिए। मुझे गुलाम बनाना चाहता था, अब देखता हूं कौन किसको गुलाम बनाता है। चलो खोल कपूर। रॉकेट तो हमने ले लिया, इसे चलाएंगे कैसे? हाँ, ये सोचने का सवाल है। चलाएंगे तो प्रोफेसर को साथ ले चलो। Thank you.
Thank you.
तो ढूंढते ढूंढते नाक में दम आ गया। क्या बात है? पिताजी को बदमाश उठा के ले गए। ये सब उन्हीं बदमाशों का कमाल है। मैं प्रोफेसर को किसी भी हालत में ढूंढ लाता हूं। ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। ए शामलाल, तुम माला को साथ लेकर जाओ। मैं माला को लेकर चुप चलो। बचपन से इस दुनिया को देखने के सपने देख रही थी, अब वो दिन बहुत जल्द ही आ जाएंगे। कल डॉक्टर नरंजन का तजुर्बा कामयाब हो जाए, फिर वो रॉकेट होगा, हम होंगे, हमारा चांद होगा। ओह टार्ज़न, ओह डॉक्टर अनिल है। मुझे उस बहादुर को जी भर के देख लेने दो जिसकी शोहरत दुनिया भर में हो रही है। बैठो टार्ज़न। मैं यहाँ तुम्हारी मेहमान नवाजी देखने नहीं आया। तुम चाहते हो मैं ये राज इसके सामने बता दूं? जितने बहादुर हो उतने भोले भी। ओ, ओ समझा, यहाँ बात अकेले की है। अब बताओ टार्ज़न, जरा बैठो तो सही, हमसे दो बातें तो करो। तुम्हारी इस खूबसूरती ने हमें दीवाना बना दिया। मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ, मेरी बात का जवाब दो। हम बकवास करते हैं? हम पर्वतमाला की महारानी, तुम अपने आप को क्या समझते हो? हमारा एक इशारा तुम्हारी गुस्ताखी का मजा चका सकता है, लेकिन हम इससे संगीर लें। हमारे करीब और टार्ज़न, एक बार अपनी आंखों में खो जाने दो। हमारी बेइज्जती, गिरफ्तार कर लो इसे। अनिल का खास शागिर्द, ये बात दूसरी है कि मुझे बिना पूछे वो कुछ काम नहीं करते। यूं तो मैंने भी एक छोटा सा रॉकेट बनाने की तरकीब सोची कि बटन यहां दबाओ, खाना चांद में खाओ, बटन चांद में दबाओ और नाश्ता सूरज में करो, बटन सूरज में दबाओ और आराम चल के तुम है? ये क्या? तुम सो रही हो? हाँ। मेरी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं? कमाल है। मालूम होता है हमारे टार्ज़न ने रानी को साइंस सिखा दिया।
देखो प्रोफेसर, ये रॉकेट पहन के तैयार खड़ा है। तुमने तो हमें राज बताया नहीं, मगर तुम्हारी आंखों के सामने ये रॉकेट पहन के ऊपर उड़ जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। तैयार तुम हुआ? बिल्कुल तैयार। आओ सिम्बा। अब देखिए, दुनिया तक पहुंचा सकते हो निरंजन, इन्हें हमारे महल में पहुंचा दो। जी रानी। मगर रानी जी, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। लेकिन मेरी बेटी माला, वो भी वहां पहुंच जाएगी। मगर रानी जी, उस बदमाश का क्या किया जाए? उसे मैं देख लूंगा, उससे अपना हिसाब चुकाना है। चलिए प्रोफेसर अनिल। टार्जन, जंगल का राजा। तुम्हारी मौत करीब आ चुकी है टार्जन, लेकिन मरने से पहले हम तुम्हें यह बता देना चाहते हैं कि तुमने टिमोवा से दुश्मनी की है, और टिमोवा से दुश्मनी करके कोई आसानी से नहीं बच सकता। आज हम एक तरफ तुम्हारी मौत देखेंगे और दूसरी तरफ खुशी का जश्न। चिकोवा।
Thank you.
आइए 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 आइए। डॉक्टर अनिल की लेबोरेटरी यही है ना? जी बिल्कुल यही है। मुझे डॉक्टर अनिल ने भेजा है और मेरा नाम कपूर है। अब कुछ नहीं, ये तो फार्मूला एम है। वाह वाह वाह, क्या नाम रखा आपने। लेकिन डॉक्टर अनिल साहब से आपका क्या वास्ता? हमारी रानी जी उन्हें बड़ी हिफाजत के साथ अपनी रियासत में ले गई हैं। अब वो अपने रॉकेट का अधूरा काम भी वही पूरा करेंगे। उन्होंने अपनी बेटी माला को वही अपने पास बुलवाया। माला, अब क्या करना चाहिए? जब पिताजी ने बुलाया है तो जाना ही चाहिए। लेकिन जाए कैसे? उनकी सवारी के लिए कश्ती का इंतजाम कर दिया गया। चलिए आइए आइए। भाइयों, ले चलो इस लड़की को। क्या मतलब? मतलब बचकर कहा जाएगी? माला, माला तुम अकेली? श्यामलाल कहाँ है? बदमाशों ने उसे पकड़ लिया। बदमाशों ने पकड़ लिया? बदमाश कहाँ है? यही यही कहीं। पकड़ लो इस बदमाश को, भाग नहीं पाए।
चलो चलो। अबे 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 मुझे क्या तरकारी की टोकरी समझ रखा है? अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे कहाँ ले जा रहे हो भाई? अरे कहाँ ले जा रहे हो? यही तो पानी दिख रहा है। अबे अरे अरे कहाँ ले जा रहे हो भाई? अरे कहाँ सफर करने को ले जा रहे हो? अरे किधर ले जा रहे हो? अरे बताओ तो सही, कुछ बोलोगे भाई? नहीं ले जा रहा, बोलो भाई। आ रहा है तुम्हारा चचा, हाथी आ रहा है। Yeah.
अनिल नहीं, एक कैदी। कैदी? कौन है बदतमीज जिसने हमारे मौसम की ये हालत कर दी है? महाराज, डॉक्टर अनिल ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया था। उन्होंने रॉकेट का राज बताने से इनकार किया। रॉकेट, रॉकेट, चांद की दुनिया, रॉकेट, रॉकेट, रॉकेट। रानी, इतना वक्त, इतना पैसा बर्बाद करने के बाद ही तुम्हारे होश ठिकाने में नहीं आए? ये सब एक सपना है और सपने ही रहेगा, छोड़ दो इसको। महाराज, डॉक्टर अनिल से कहिए ना, वो हमें सिर्फ एक बार चांद की सैर करा दे। रानी, रानी, डॉक्टर, इन्हें माफ कर दो। अनिल की तरफ से माफी मांग दिया डॉक्टर। आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? तो क्या आप हमारे लिए रॉकेट तैयार करेंगे? अगर आपकी यही मर्जी है तो मुझे मंजूर है, मगर मेरी मर्जी के खिलाफ उस रॉकेट में और कोई नहीं जा सकेगा। हमें मंजूर है। ठीक है, मेरी लड़की मुझसे जुदा हो गई है, उसे तलाश करके मुझसे मिलाना आपका काम है। रानी, डॉक्टर साहब की लड़की को ढूंढने का इंतजाम इसी वक्त किया जाए। डॉक्टर, चलो। कपूर पा, डॉक्टर अनिल की लड़की और तार्जन को हर हालत में तलाश करना होगा। जो हुक्म। और सुनो, हर काम खामोशी से होना चाहिए। ऐसे ही होगा रानी साहिबा। क्या देख रही हो? तुम्हें इस तरह से मत देखो। क्यों? क्या मेरी आंखों से डर लगता है तुम्हें? तुम्हारी आंखों से नहीं। बोलो, रूठ क्यों गए? अभी नहीं, फिर बताऊंगा। तुम आराम करो। तुमने कई बार मेरी जान बचाई है टार्ज़न, मैं तुम्हारे एहसानों का बदला कैसे दे सकूंगी? ना जाने मेरे पिताजी के साथ इन लोगों ने क्या किया होगा। घबराओ नहीं, मैं प्रोफेसर अनिल को जल्द ही ढूंढ लाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ टार्ज़न, यहाँ मुझे बहुत डर लगता है। फिर आओ, चलो मेरे। सामने एक बेचारी चींटी क्या कर सकती है? पकड़ ले इस चिड़िया को भी, इसने बहुत परेशान कर रखा है। पापा की ताकत का भी इसे पता चल जाएगा। ले चलो।
रानी जी की किस्मत का सितारा बुलंद हो। आपकी दुआ से और हमारी ताकत ने आज टार्जन को गिरफ्तार कर लिया है। टार्जन गिरफ्तार हो गया? शाबाश, इसे जंजीरों में जकड़कर हमारे खास मीनार में कैद रखा जाए। अब हम अपनी बेइज्जती का बदला गिन गिन के लेंगे। और ये है प्रोफेसर की लड़की माला। चलो ये भी अच्छा हुआ, डॉक्टर अनिल अपनी लड़की को देखकर बहुत खुश होंगे। इन्हें उनके पास भिजवा दो। ये आप क्या कह रही हैं रानी जी? आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। अगर ये लड़की डॉक्टर अनिल के पास पहुंच गई तो हमारा सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। वो कैसे? जब तक हमारा तजुर्बा मुकम्मल नहीं हो जाता इस लड़की पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। डॉक्टर अनिल से रॉकेट बनाने में ये लड़की हमारी बहुत मदद कर सकती है। आप मेरा मतलब तो समझ गई होंगी रानी जी। समझी, तो हमें इस लड़की को हिफाजत से रखना होगा। आप बेफिक्र रहिए रानी जी, मैं इस लड़की को अपने साथ लेबोरेटरी में ले जाता हूँ और उस वक्त तक कड़ी निगाह रखूंगा जब तक प्रोफेसर रॉकेट नहीं बना लेता। लेकिन याद रहे, इस लड़की को किसी किस्म की तकलीफ ना होने पाए। आप बेफिक्र रहिए रानी। चलिए। कहाँ? क्या तुम्हें डॉक्टर अनिल से नहीं मिलने का? पिताजी, वो कहाँ है? मेरे साथ चलो, वो कहाँ है पता लग जाएगा। चलिए। ये नहीं, बहुत जल्द आपके पिताजी से आपको मिला दिया जाएगा। देखो इन खूबसूरत मेहमान को कोई तकलीफ ना होने पाए, मैं उस बदमाश डॉक्टर से निबट कर आता हूं। बदमाश अनिल, मैं इस गुस्ताखी की माफी चाहता हूं मगर मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। देखो ये लड़की लिबर्टी से भाग ले ना पाए। आ गई। कहाँ, किधर, कौन? आओ मेरी चम्मच छलो। मेरा नाम चम्मच छलो नहीं, फूल झड़ी है। चम्मच छलो होगी तुम्हारी कोई। लेकिन हमारे लिए तो तुम सब कुछ हो, फूल झड़ी, चम्मच छलो। क्यों रामलाल? तुम दोनों चुप रहो और तलाश करो। टार्जन को यहीं कहीं कैद कर दिया गया है। टार्जन कैद कर लिया गया है? तुम डॉक्टर अनिल की मदद ले सकते हो। तो क्या प्रोफेसर अनिल भी यही हैं? हाँ, महल के पीछे रानी जी के हुक्म से रॉकेट तैयार कर रहे हैं। रॉकेट तैयार कर रहे हैं? तो हम भी चलते हैं। और देखो तुम भी किसी खास खबर के साथ प्रोफेसर साहब के अड्डे पर ही आकर मिलो। हाँ। हजार बार तुम्हें कह चुका कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, फिर भी तुम यहाँ आने से बाज नहीं आते। मैं अपने लिए नहीं प्रोफेसर, आपके लिए आया हूँ। शायद आज आपको कोई फायदा हो सके। तुम अपने फायदे की सोचो और चले जाओ यहाँ से। अच्छी बात है, अगर आपकी यही मर्जी है तो हम चले जाते। प्रोफेसर अनिल, शायद आपको मालूम नहीं कि आपकी बेटी माला माला मेरी बेटी। निरंजन, बताओ मेरी बेटी कहाँ है? प्रोफेसर, तो ये बात है। खैर, हम तुम्हारी ये गुस्ताखी भी भूल जाते हैं। मगर याद रखो प्रोफेसर, अगर तुम अपनी बेटी माला की जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें हमारे साथ सौदा करना होगा। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारे साथ कोई भी सौदा करने के लिए तैयार नहीं हूँ।
और अगर सौदा कर भी लिया तो मुझे कैसे यकीन आए कि माला तुम्हारे कब्जे में है। प्रोफेसर, तुम चाहो सौदा करो या ना करो, हमें इस रॉकेट का राज मालूम करने का है। और रहा माला का सबूत, फिलहाल तो मैं तुम्हें ये देता हूं, अगर प्रोफेसर को मंजूर हो तो। चलिए प्रोफेसर। पागल बुद्धू मूर्ख श्यामलाल, प्रोफेसर श्यामलाल, तुम्हारी बेवकूफी से वो लोग उस प्रोफेसर को यहां से ले गए। अगर तुमने ये फार्मूला मुझसे ना छीना होता तो मैं इन सबकी छुट्टी कर देता और साथ में प्रोफेसर की भी छुट्टी कर देता। बेवकूफ, तुझे ये मालूम होना चाहिए कि प्रोफेसर तो अपनी मर्जी से उनके साथ गए। हमें प्रोफेसर की जरूरत नहीं, रॉकेट की जरूरत है टार्जन को छुड़ाने के लिए। रॉकेट की? हाँ, रॉकेट तो यहाँ पड़े हैं। रॉकेट वहां पड़े? तो मेरा मुंह क्या ताकता है, उठ आजा। चलो टार्जन। ये रहा आपका शिकार। तुमने हमारी तौहीन की थी, तुम ये समझते थे हमारी तौहीन करके बच जाओगे, मगर आज देख ली अपनी हालत। टार्जन जंगल का राजा आज हमारे सामने बिल्ली की तरह खड़ा है। टार्जन, रानी जी आप मुझे हुक्म दीजिए, मैं अभी इसे मौत के घाट उतार देता हूँ। नहीं, इसने हमें बहुत तड़पाया है और अब हम इसे मछली की तरह तड़पा कर मारेंगे। जैसे आपकी मर्जी वीर सिंह, इसकी अच्छी तरह खातिर दुआ की जाए। Are you?
तारीफ नहीं की जा सकती इस खूबसूरती को इस तरह बेबस देखकर दिल और भी तड़प उठता है क्या चाहते हो मैं तो ये पूछने आया था कि तुम क्या चाहती हो क्या तुम यहां से आजाद होना नहीं चाहती क्या तुम मेरी मदद करोगे जरूर मगर मेरी भी एक शर्त है मैं तुम्हारी किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं अगर तू हमारी किसी बात मानने के लिए तैयार नहीं तो हम जबरदस्ती मनवा लेंगे लड़की अब तुम हमारी कैद में हो और तुम्हें आजादी भी हमारी मर्जी से ही मिलेगी बोलो हमारी शर्त मंजूर है या नहीं 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 छोड़ दो मुझे हाथ आए हुए शिकार को छोड़ देना हमारी नीति के खिलाफ है रूपा हमारी गैर हाजिरी में तुम्हारी ये हिम्मत कि हमारी अमानत में खयानत करो डॉक्टर अनिल ये रही आपकी बेटी मेरी बेटी डॉक्टर आपकी बेटी आपकी आंखों के सामने अब भी वक्त रॉकेट का राज बता दो वरना तुम मेरी जान ले सकते हो मेरी बेटी की जान ले सकते हो मगर रॉकेट का राज तुम्हें नहीं मिल सकता निरंजन ये घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा मैं सब कुछ तुम्हारे भले के लिए कर रहा था अगर तुम्हें इतराज ना हो तो मैं रॉकेट का राज अभी निकलवा सकता हूं मेरी फिक्र मत करो मेरी बेटी को बचाओ जाओ
बादल की बत्ती हट चुप कर कामयाब हो गया है। अब मैं कभी भी रानी जी को रॉकेट में बिठाकर चांद की दुनिया तक ले जा सकता हूँ। क्या कह रहे हो प्रोफेसर? क्या मैं चांद की दुनिया की सैर कर सकती हूँ? एक मुद्दत से मैं सपना देख रही थी, आज पूरा हो रहा है। मेरा मुंह क्या देख रहे हो कपूपा? निरंजन, हमारे जाने की तैयारी की जाए। जरूर की जाए, लेकिन इन दोनों के सिवा रानी जी जिसे साथ लेना चाहे ले जा सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तक रानी जी वापस नहीं आ जाती, तुम दोनों इस चांद की दुनिया के दर्शन किया करो। लेकिन महाराज, रानी जी की हिफाजत के लिए हमारा साथ जाना बहुत ही जरूरी है। हाँ महाराज, इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। प्रोफेसर अनिल, अब हमें कब ले चलेंगे आप? ठीक 24 घंटे के बाद। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम वो शैतानी हरकत ना करते तो ये मुसीबत ना उठानी पड़ती। सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। निरंजन, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने बुजदिल निकलोगे। इसमें बुजदिली की क्या बात है? तुम्हारे सामने वो लड़की को उठाकर ले गया, तुम और तुम्हारी साइंस उसका कुछ ना बिगाड़ सकी। मैं कर ही क्या सकता था? गलत फार्मूले बनाने के सिवा तुम और कर ही क्या सकते हो निरंजन? अच्छा अच्छा, ये बैठ छोड़। अब हमें प्रोफेसर रॉकेट में तो ले नहीं जाएगा, अब हमें करना क्या चाहिए? तुम फिक्र मत करो, अगर प्रोफेसर हमें चांद पर नहीं ले गया तो हम उसका रॉकेट बर्बाद कर देंगे। ख्याल बुरा नहीं, चलो। Mario
तुम्हारे इस रॉकेट की बर्बादी खबर था जो एक कदम भी आगे बढ़ाया। तुम हमें अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे ना, देखता हूं तुम कैसे जा सकते हो। आज मैं इस रॉकेट को इस पर बात कर देता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि तुम अपनी गलत के लिए अपने मालिक को भी धोखा दे सकते हो। मतलब के लिए हर इंसान किसी ना किसी की कुर्बानी देता है। आज तुम्हारी बारी है। आज मैं इस किस्से को खत्म कर देता हूं। आज ना तुम रहोगे ना ये तुम्हारा रॉकेट। मेरा सपना पूरा हो रहा है। आज मैं चांद की दुनिया में जा रही हूं। मेरी चांद की दुनिया, मेरे ख्वाबों की दुनिया। मुबारक हो रानी साहिबा, आपका सपना आपको मुबारक। कितना अच्छा होता अगर हम भी आपका साथ देते। तुम्हें तो मालूम है डॉक्टर ने तुम लोगों को साथ ले जाने से साफ इनकार कर दिया। मगर याद रखिए रानी साहिबा, आपका सफर खूबसूरत भी है और खतरनाक भी, और हमारा आपकी हिफाजत के लिए होना बहुत जरूरी है। तो फिर क्या किया जाए? हम तो आपकी खातिर अपनी जान पे खेलने को तैयार है रानी साहिबा। हम इस तरकीब से आपके साथ चलेंगे कि डॉक्टर अनिल को पता भी नहीं चलेगा। हम संदूक में बैठ के छुप जाएंगे और उस संदूक को रॉकेट तक पहुँचाना आपका काम। एक बार रॉकेट हो गया तो डॉक्टर अनिल कुछ नहीं कर सकता। फिर हम होंगे और डॉक्टर अनिल। तरकीब अच्छी है, मैं अपनी तैयारी करती हूँ, तुम लोग अपनी तैयारी करो। सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह चांद और सितारों के दरमियान घूम सकेंगे। जरा
संभालिए, अब हम चांद की दुनिया पे उतरने वाले हैं। हमारे दिल की तमन्ना पूरी की, हम ये चांद जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। चांद, सितारे, अंजुमन सितारों की ये महफिल बहारों की, फिर बहारों की अंजुमन सितारों की ये महफिल बहारों की, अंजुमन सितारों की ये महफिल बहारों की, इसी के लिए है जो इतना समझ ले कि जिंदगी जिंदगी ही का नाम है, अंजुमन सितारों ये महफिल बहारों की। Thank you.
अरे ये तो खुलता ही नहीं, बड़ी खतरनाक जगह मालूम होती है, हम लोग कहां फंस गए? छोड़ दीजिए, पहले हमें इस भयानक जगह से बाहर निकलने की तरकीब सोचनी चाहिए। हाँ, हमें कोई ना कोई रास्ता तलाश करना होगा। आओ। अरे दूध क्या पिए गए यहाँ तो चांद पे कोई गाय भैंस तो नजर नहीं आती। मैं बताऊँ भागो भागो। इस आफत से कैसे छुटकारा पाएंगे? आप तो माते रेफरी जेटी। आइए तकलीफ लाइए, आप चांद की दुनिया देखने आए और यहाँ ठहरे हैं रेफरी जेटर। हम आपको चांद की दुनिया देखने को मौका देते हैं, अनिल को पता भी नहीं चलेगा। आइए बाहर आइए। आप समझदार मालूम होते हो। आपकी दुआ से अब आप चांद की दुनिया देखिए, हम आपकी दुनिया देखते हैं। हाँ देखते रहिए क्या क्या होता है। जानवर हम कहां है? ये सब क्या है? तुम्हारी मौत का सामान, तुम्हारे जिस्म से तुम्हारे रूह को अलग कर दिया जाएगा। तुम कौन हो? मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं निरंजन, और तुम्हारे साथी कपूपा को भी। मैं भी कभी तुम्हारा साथी था तिमोवा, आज मैं दूसरे रूप में यहां मौजूद हूं धरती वालों से बदला लेने के लिए, और मेरे पहले शिकार तुम दोनों हो। तिमोवा, तुम तो हमारे पुराने साथी, तुम्हें देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। तिमोवा, तुमने अपने लोहे के इंसान को नहीं बताया
कि हम दोनों तो तुम्हारे साथी हैं। हाँ तिमुआ, अब इस लोहे के इंसान के सिवा मेरा कोई साथी नहीं, यही मेरी ताकत। जिस दिन यह गिर जाएगा उस दिन मेरी ताकत भी खत्म हो जाएगी। अब तुम दोनों का आखिरी वक्त आ चुका है। तिमुआ हम पर रहम करो। तिमुआ कुछ तो पुरानी दोस्ती का ख्याल करो। नामुमकिन, अब तुम दोनों यहां से भाग कर नहीं जा सकते क्योंकि रॉबर्ट मेरा वफादार साथी। रानी चांद की दुनिया देखने आई थी मगर खुद ही दूसरी दुनिया में चली गई। अब समझ में नहीं आता कि हमारा क्या होगा। इस खतरनाक जगह से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। चलो आओ एक बार फिर कोशिश करें। प्रोफेसर अनिल को हम ढूंढने तो आ गए हैं मगर अब क्या किया जाए। ठीक है ढूंढने आ गए तो अच्छी बात है। हम प्रोफेसर साहब का यही इंतजार करेंगे। मगर कब तक इंतजार करेंगे। इंतजार नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। देखता नहीं ये तेरा चचा दरवाजा लोहे का है। Thank you.
बात है राजी रहने दो, राजी बात है राजी रहने दो, हमको एतराज है हमको एतराज है एतराज ही रहने दो, राज की बात है राज की रहने दो, राज की बात है। लेकर यहां आए तुम्हारी दुनिया तबाह करने के लिए, पहले प्रोफेसर अनिल और उनके साथियों को खत्म कर दो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छा, प्रोफेसर अनिल भी यहां है? हाँ जी,
तो मेरा रॉबर्ट उस दुश्मन को पहले खत्म करेगा, लेकिन तुम भी न बच सकोगे। उसको खत्म करने के बाद तुम्हारी बारी। अब इस वक्त इन रॉकेटों को पहनने की जरूरत क्या है? उस्ताद, क्या पता कौन सा चक्कर कब आ जाए और ये चक्कर काम दे जाए। हाँ ठीक है ठीक है, इस नई दुनिया में तो मुसीबतों का क्यों लगा हुआ है, न जाने कोई नया जानवर क्यों मैं आके खड़ा हो जाए कि मैं आ गया हूँ। अब यहाँ रहना मुश्किल हो गया है डैडी। फिक्र न करो बेटी, अभी रॉकेट ठीक हुआ जाता है। जब आप तैयार हो जाए मुझे आवाज दे दे। ज्यादा दूर न जाना बेटा। तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। चलाता जल्दी जा।
दुश्मन के जहाज तुम्हारे रॉकेट का पीछा कर रहे हैं। तुम्हारे बचने की एक ही सूरत है, एटॉमिक मशीन गन का बटन दबाओ। नहीं हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं होगा। हरगिज़ नहीं तो ऐसे होगा। चलो चलो। जमीन की तरफ ले चलो। तुम भी हो? आपकी दुआ से। बाहर निकलो, निकलो। तुम सब उधर जाओ। तुम नहीं प्रोफेसर, तुम इधर आओ। तुम जाओ, इधर आओ। रॉकेट का राज बताओ वरना जान से मारे जाओगे। नहीं बताते? तुमसे तो मुझे अपना पुराना हिसाब चुकाने का। तुम तो अपना कमाल दिखा चुके, अब मेरी साइंस का कमाल देखो। देखो प्रोफेसर निरंजन का करिश्मा, हो सके तो कर लो अपना बचाओ। हाँ।